अहम खबर आपको दें, लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की हालत बिगड़ गई। उनकी अहलिया जरीन गजल ने कहा है कि दिल का दौरा पड़ने के बाद से उमर शरीफ की शरियानों से खून आ रहा है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे रेहान अहमद से। रेहान, क्या बताना है मजीद अहले खाना का? फैमिली से जो हमारी बात हुई है उसमें उनका यही कहना है कि लास्ट मंथ जो उनको अटैक हुआ था उसके बाद उनका शरियानों से खून आने का सिलसिला शुरू हो गया था, और फिर डॉक्टर्स ने ये बताया कल के अगले 24 घंटे जो है बहुत अहम है। जरीन गजल ने अपने फेसबुक पेज पे भी ये चीज मेंशन की और उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की थी उनके मद्दाहों से। वजीर आजम पाकिस्तान से भी दरख्वास्त की गई थी कि वीजे वगैरह जो है फौरी तौर पर उनकी रवानगी के इंतजाम किए जाएं। सऊदी अरब है, जर्मनी है, अमेरिका है, डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था कि हमें 14 से 15 दिन में इनको वहां तक पहुंचाना होगा और वहां ऑपरेशन करना होगा, अदरवाइज फिर 15 दिन बाद हम यहीं पे हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन करेंगे जो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस हवाले से जरीन गजल ने रीमा के शौहर से बात की, रीमा से बात हुई अमेरिका में, तो डॉक्टर तारिक साहब ने वहाँ पर इंतजाम कर दिए हैं ऑपरेशन के और उनके हॉस्पिटल में एडमिशन वगैरह के। तो इस हवाले से जो है कोशिशें जारी हैं कि यहाँ से रवानगी के इंतजाम किसी मुकाम पे पहुंचे तो उसके बाद ये आगे का प्रोसेस शुरू हो। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया रेहान।